चलो ये ओआई क्या है? ओआई का फुल फॉर्म है ओपन इंटरेस्ट। अब यहां पर इंटरेस्ट का नाम सुन के, इस फाइनेंशियल लाइन में हम इंटरेस्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज। बट यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज नहीं होता, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर है रुचि। यहाँ पर इतने लोग इंटरेस्टेड है इस स्ट्राइक प्राइस पर, 21,900 की स्ट्राइक प्राइस पर इतनी पोजीशन इंटरेस्टेड है। अभी आगे आपको सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। देखो ये 22,400 पर इतने लोग इंटरेस्टेड है अपनी पोजीशन को बिल्ड करने के लिए, ये वो इंटरेस्ट है। मैं अगर आपसे कहूं कि हम कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं बाहर जाने का, कितने लोग आने के लिए तैयार है? तो आप अगर मुझसे ये कहोगे ना कि हाँ मैं आने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, यानी कि मैं रुचि रखता हूँ आने के लिए, ये वो वाला इंटरेस्ट है, ये ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है। एंड ओपन का मतलब खुला, इन दोनों का हिंदी समझ लो आप, इंटरेस्ट मतलब कि रुचि एंड ओपन मतलब कि खुला। इतनी रुचि खुली हुई है, इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। अब ध्यान से समझो ओपन इंटरेस्ट को, हर एक स्ट्राइक प्राइस पर आपको अलग अलग ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे। पर हम आ जाते हैं हमारी एट द मनी पर, क्योंकि हमें काम करना होता है एट द मनी पर। मार्केट में 500 पॉइंट पहले या 500 पॉइंट बाद क्या हो रहा है उसका हमें अभी काम नहीं, अभी मार्केट में क्या हो सकता है, अभी मार्केट कहाँ पर है उसे हम पहले देखते हैं। तो देखो ये 22,100 जो हमारा एट द मनी है ना, वहां का ओपन इंटरेस्ट कितना है? वहां का ओपन इंटरेस्ट है 81,152, यानी कि राउंड फिगर हम बोलेंगे 80,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। इसका क्या मतलब हुआ? ये 80,000 का मतलब क्या हुआ, कुछ पता चल रहा है? 80,000 का मतलब कि 80,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर बेचे गए हैं। अब ओपन इंटरेस्ट है यानी कि हमने बात की थी ना, जो कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, इसका मतलब ये हुआ। ये ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल आगे दूंगा। ये तीनों के तीनों एक साथ बिल्कुल दिमाग में उतर जाएंगे, बट पहले इन तीनों को डिस्कस करना होगा, उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी यहाँ पर खुले हुए हैं, आज यहाँ पर देखो आज है सैटरडे, में ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी यहाँ पर ये 22,100 की प्राइस है ना, यहाँ पर 80,000 कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं, 80,000 लोट बिके हुए हैं, यानी कि ये लोग यहाँ पर शुक्रवार के दिन या फिर उससे भी पहले यहाँ पर ये बेचकर गए हैं इन कॉन्ट्रैक्ट को, अभी भी ये ओपन है, यहाँ पर खुले हुए हैं। अब ये ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है उसे समझो। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं उसका मतलब अभी भी ये पोजिशन के अंदर है, इन्होंने स्क्वेयर ऑफ नहीं किया है। हम क्या करते हैं, 3 बजे तक, 3:15 बजे, 3:30 बजे तक खत्म कर देते हैं ना, यहाँ पर खत्म नहीं हुए, ये अभी भी है, ये ओवरनाइट लेके गए हैं तभी यहाँ पर ये दिख रहा है, इसीलिए ये ओपन है। अब देखो ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है। मान लो मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, आप एक ऑप्शन बायर हो। अब मैं निफ्टी का ये जो 22,100 का है ना, ये 22,100 का कॉल आपको बेचता हूँ, आप उसे खरीदते हो, आपको बेच रहा हूँ, आपने खरीदा, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कभी भी अकेले इंसान से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मैं खुद को तो नहीं बेचूंगा, मुझे कोई ना कोई तो चाहिएगा खरीदने के लिए। आपको बाय करना है तो कहाँ से बाय करोगे, आसमान से तो नहीं टपकेगा, कोई ना कोई तो चाहिए आपको सेल करने के लिए। तो जब एक बायर और एक सेलर दोनों मिलते हैं तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मैं सेलर, आप बायर, मैंने आपको निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट 21,100 का बेचा, आपने वो खरीदा, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर एक से बढ़ जाएगा, कहाँ पर, 22,100 की प्राइस से ओपन इंटरेस्ट एक से इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने आपको एक लॉट बेचा तो यहाँ पर 22,100 के लेवल पर यहाँ पर एक ओपन इंटरेस्ट आ गया, ये 80,000 81,000 को भूल जाओ, कुछ है ही नहीं, यहाँ पर एक से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। अब मेरा व्यू क्या था, मैंने कॉल को क्यों बेचा, मेरा व्यू था मार्केट नीचे जाएगा इसलिए मैं बेच रहा हूँ। अब मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि मार्केट और नीचे जा सकता है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मैं क्या करूंगा, और एक कॉल को बेच दूंगा ताकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो, मैं और एक कॉल को बेच दूंगा किसी और को, किसी और को बेचू या आपको बेचू, मान लो आपको ही बेच देता हूँ या आपके किसी दोस्त को बेच देता हूँ। एक और कॉल मैंने बेचा, मैंने एक कॉल बेचा, किसी ना किसी ने खरीदा, तो टोटल मैंने कितनी कॉल बेची, मैंने दो कॉल बेची, मैंने दो कॉल बेची, किसी ने दो कॉल खरीदी, यानी कि दो कॉन्ट्रैक्ट हुए, दो लॉट बेचे, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब मैं 3 लॉट बेच देता हूँ तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कैसे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। अब यहाँ पर हम 1, 2, 3 की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखो 80,000 के ऊपर यहाँ पर कॉल को बेचा गया है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पर। हर स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग तरीके से ओपन इंटरेस्ट होता है, देखो कितना हर स्ट्राइक प्राइस पर मिलेगा आपको, देखो कॉल हो पुट हो हर स्ट्राइक प्राइस पर आपको मिलेगा, यहाँ पर 22,100 की है ना, हर स्ट्राइक प्राइस पर आपको मिलेगा 22,000, 20,000, जो भी कुछ भी ओपन कर लो। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा, तो ये तो 80,000 के ऊपर बेचा गया है, तो सोचो कितना पैसा लगाया होगा, किस लेवल का उनका एनालिसिस होगा, इसीलिए हमें इनके साथ साथ जाना होता है कि ये बेचे गए हैं।
अब यहाँ पर 22,100 के लेवल पर मैंने दो ओपन इंटरेस्ट बना लिए, दो शॉर्ट करके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि चलो प्रॉफिट होने लगा है, मार्केट रिवर्स ना कर जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट में बुक कर लूँ। क्या करूँ, मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लूँ तो दो लॉट में से मैं एक लॉट को बुक कर लूंगा, एक लॉट जो मैंने सेल किया था ना उसे मैं फिर से बाय कर लूंगा, क्योंकि मैं बाय करूंगा तभी तो मेरा स्क्वायर ऑफ होगा। तो एक में मैं हाफ क्वांटिटी यानी कि एक लॉट मैं बुक कर लूंगा ना, मैं बुक कर लूंगा मतलब मैं बाय कर लूंगा किसी से, मैंने सेल किया था मुझे दोबारा बाय करना पड़ेगा, मैं बुक कर लूंगा। तो यहां से ओपन इंटरेस्ट है ना, ओपन इंटरेस्ट इससे लेवल से एक से कम हो जाएगा, पहले कितना था, दो था, एक से कम हो जाएगा, कितना बचा, एक बचा। इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज डिक्रीज होता है, मैंने तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब पता चल गया, ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से क्रिएट होता है। और ओपन इंटरेस्ट मतलब कि हाल फिलहाल पोजीशन ओपन है, स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है, स्क्वायर ऑफ होगी तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हो जाता तो यहाँ पर दिखती ही नहीं। तो ये SCSR की जो पोजीशन यहाँ पे दिख रही है ये अभी भी यहाँ पर ओपन है ये। तो चलो ओपन इंटरेस्ट में समझता हूँ कि आपको पता चल गया ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब हाल फिलहाल सारी पोजिशन जिस स्ट्राइक प्राइस पर ओपन है और ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से बनता है उसे भी हमने देख लिया। चलो दूसरा यहाँ पर जो टर्म है वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट था, ये कॉल की तरफ का भी हमने देखा और ये पुट की तरफ भी इसी तरीके से होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये 22,100 के लेवल पर यहाँ पर ये क्या नंबर आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट का, 22,100 का जो लेवल यहाँ पर हमें नंबर दिख रहा है 40,000 का। तो 40,000 के जो पुट है, 40,000 पुट के जो लॉट है उन्हें यहाँ पर बेचा गया है, इस तरीके से आपको समझना है। अब देखो ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, क्या ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नाम आपको मिलता जुलता लिख रहा है, किससे मिलता है ये नाम? ये जो इसके बिल्कुल ही इसके साइड में ये जो इसका कजिन है ना ओपन इंटरेस्ट, उससे मिल रहा है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चलो इसका हिंदी करते हैं, मतलब अगर इसका हिंदी करें तो ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज हुआ है, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट क्या है वो हमने समझ लिया, तो ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज हो रहा है वो यहाँ पर हमें शो होगा। माइनस में होगा मतलब ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, प्लस में होगा मतलब ओपन इंटरेस्ट एड हो रहा है। और ये काम की चीज है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज का होता है, जिस भी दिन देख रहे हैं उसी दिन का होता है। अभी आपको यहाँ पर ये सारे नंबर दिख रहे हैं, पर सुबह 9:15 बजे आकर ऑप्शन चेन को ओपन करोगे ना आप, तो ये सारे 0000 लगेंगे, यहाँ पर भी पुट में भी 0000 दिखेंगे, क्योंकि ये आज का होता है। मार्केट ओपन हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ सही से होने लगता है, फिर यहाँ पर ये डेटा बिल्ड होना शुरू होता है, फिर लोग व्यू बनाते हैं कि क्या करें, बाय करें, सेल करें, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, हमारी पोजीशन में एड करें, इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, फिर ये डेटा बनता है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ी काम की चीज़ है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए, और मुझे अपने ट्रेड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत काम आता है। एक अपने जो ट्रेड है ना उसे होल्ड करने का कॉन्फिडेंस बना रहता है कि नहीं भाई हम सही डायरेक्शन में हैं, इस तरीके से यहां से पता चलता है उसे ना। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का सेपरेट वीडियो आएगा ना, उसमें डिटेल में समझेंगे। तो देखो हमारी 22,100 की जो स्ट्राइक प्राइस थी ना वहीं पर आ जाता है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर 22,100 की ये जो स्ट्राइक प्राइस है यहां पर चेंज कितना आपको दिख रहा है, 46,983, राउंड फिगर रखो 47,000। तो क्या प्लस में है या माइनस में है? तो प्लस में है, देखो ये माइनस में यहां पर है, ये प्लस में है ना, 22,100 पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट प्लस में है। और ये कहां, किस दिन का डेटा है ये डेटा है किस दिन का, ये है शुक्रवार का, तो ये लास्ट ट्रेडिंग डे का डेटा है, यानी कि ये डेटा है शुक्रवार का। तो शुक्रवार के दिन 47,000 पोजीशन यहां पर एड हुई है। तो देखो सुबह सुबह ये यहां पर जो 80,000 दिख रहे हैं ना, 80,000, ये 80,000 नहीं होंगे, 80,000 नहीं होंगे, ये 80,000 से कम होंगे, पर मान लो 35,000 होंगे। फिर ये डेटा यहाँ पर ऐड हो गया ना, ये डेटा ऐड हो गया ना 47,000 के करीब का, फिर ये यहाँ पर इंक्रीज हुए होंगे मान लो 35,000 में, ये इतना डेटा इंक्रीज हुआ, ये टोटल हो गया 81,000, इस तरीके से समझिए आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब। पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सुबह सुबह ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो 80,000 होगा, और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 40,000 माइनस अगर हमें दिखता ना माइनस, तो ये 80,000 से घटकर कितना हो जाता, 40,000 हो जाता। क्या हो जाता, 40,000 हो जाता। ओपन इंटरेस्ट एक दिन का नहीं होता, ओपन इंटरेस्ट एक्सपायरी के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट बनना शुरू होते हैं तब से लेकर तो आज के दिन तक का होता है, पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सिर्फ आज का होता है, आज खत्म हो जाता है, अगले दिन देखोगे ये नंबर बदल जाएंगे, अलग तरीके से ये नंबर आएंगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब आज क्या हो रहा है मार्केट में, और हम इंट्राडे ट्रेडर है हमें मतलब है आज क्या हो रहा है, ना कि 4 दिन के बाद क्या होगा उससे। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है, एंड सेम एज पुट की तरफ भी है, सेम एज पुट की तरफ भी है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट यहां पर एड हुए हैं या माइनस हुए हैं।
तीसरा जो यहां पर हमारा ये है वॉल्यूम। चलो इसके बाद ना एक एग्जांपल लेना है इन तीनों को समझने के लिए। ये वॉल्यूम है मतलब कि टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट आए गए, स्क्वेयर ऑफ हुए, अंदर है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम को। वॉल्यूम मतलब कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट, कितने टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि देखो ओपन इंटरेस्ट मतलब कि क्या, अभी कितने खुले हुए हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब कि क्या, कि आज के दिन कितने आए हैं। पर ये वॉल्यूम क्या है, आप आओ आप जाओ मुझे कोई परवाह नहीं, मैं यहाँ पर टोटल नंबर आपको बताऊंगा। तो वॉल्यूम का मतलब है कि यहाँ पर हमने बाय किया, सेल किया, कुछ भी किया, हम पोजीशन में है या नहीं है, टोटल वॉल्यूम हमें दिखेगा। देखो ये ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये हमें माइनस में भी दिख सकते हैं, ये दोनों हमें माइनस में दिख सकते हैं, बट ये वॉल्यूम कभी माइनस में नहीं दिखता, वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज ही होता है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जिस तरीके से डील यहाँ पर बनेगी, उस तरीके से वॉल्यूम वहां पर इंक्रीज होगा। डील वहां से स्क्वेयर ऑफ होगी ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम वैसे के वैसे ही रहेगा। तो ये टोटल वॉल्यूम है कि कितनी पोजीशन बनी है अभी तक मार्केट में, फिर वो ओपन है या स्क्वेयर ऑफ हो गई उसे परवाह नहीं, वॉल्यूम टोटल दिखेगा। ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को समझ लिया। अब चलो एक एग्जांपल पर आते हैं कि इन तीनों को पूरा का पूरा दिमाग में छाप लेते हैं। देखिए एक बहुत ही बड़ा मल्टीप्लेक्स है, यानी कि बहुत ही बड़ा एक मॉल है। अब वो मॉल में काफी सारे लोग दिन में आते हैं, जाते हैं। अब शाम के 5 बजे हैं, वहां पर वो मॉल का ओनर आता है, मॉल का मालिक आता है और मैनेजर के पास जाके मैनेजर को पूछता है कि यहाँ पर अभी हमारे मॉल के अंदर कितने लोग हैं शॉपिंग करने के लिए, मूवी देखने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अभी हाल फिलहाल हमारे मॉल के अंदर, अभी हाल फिलहाल हमारे मॉल के अंदर कितने लोग हैं मुझे बताओ, मुझे जानना है। मैनेजर उन्हें डेटा देखकर कहता है, मैनेजर देखकर कहता है कि सर अभी हमारे मॉल के अंदर 100 लोग हैं। अभी हमारे मॉल के अंदर कितने लोग हैं ध्यान से समझना। देखो ये एग्जांपल दिमाग में उतर गया ना, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। मैनेजर ओनर को कहता है अभी हमारे मॉल के अंदर 100 लोग हैं जो मॉल के अंदर कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मॉल के अंदर बने हुए हैं। कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। मतलब कि मॉल के अंदर अभी जितने भी लोग हैं वो क्या हो गया, वो हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट। क्योंकि अभी भी करंटली राइट नाउ मॉल के अंदर है, मॉल से बाहर नहीं निकले, कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे, घूम रहे हैं, तो वो हो गया ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में क्या समझा था हमने, हाल फिलहाल में पोजीशन ओपन है, निकले नहीं है, स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो मॉल के अंदर 100 लोग हैं ना अभी, तो वो हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट। आई बात समझ में आपको? चलो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अब ओनर का दूसरा सवाल मैनेजर को, ओनर का दूसरा सवाल मैनेजर को क्या है कि चलो मुझे ये तो तुमने बता दिया कि अभी हमारे मॉल के अंदर 100 लोग हैं, हमारे मॉल के अंदर 100 लोग हैं, अब जरा मुझे चेक करके ये बताओ कि सुबह 10 बजे जब से हमने मॉल ओपन किया है तब से लेकर अब तक, अभी 5 बज रहे हैं, तब से लेकर अब तक कितने लोग आए हमारे यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पर हमारे मॉल के अंदर आए, कितने लोगों ने शॉपिंग की। मुझे ये नहीं देखना कि अभी कितने हैं, मुझे ये देखना है कि 10 बजे से लेकर तो अभी 5 बज रहे हैं अभी तक कितने लोग आए मेरे मॉल में, मुझे वो बताओ। मैनेजर चेक करके कहता है, रजिस्टर एंट्री जो होती है वो देख कर उन्हें कहता है कि सर सुबह से अभी तक हमारे मॉल में टोटल 300 लोग आए। कितने लोग आए, टोटल 300 लोग आए। तो ओनर ये कहता है मतलब कि अभी 200 लोग चले गए ना। तो मैनेजर कहता है हाँ सर, टोटल सुबह से लेकर अभी तक 300 लोग हमारे मॉल में आके गए हैं, उनमें से 200 चले गए, 100 अभी भी यहाँ पर है, 100 अभी भी है, वो ओपन इंटरेस्ट है, 200 चले गए हैं, वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और सुबह से शाम तक जितने टोटल लोग आए थे वो वॉल्यूम है। चलो एक और बार, हो सकता है कंफ्यूजिंग हो गया हो, एक बार मैं ना समझाऊं, एक और बार इसी तरीके से। अभी भी मॉल में जो 100 लोग हैं ना वो ओपन इंटरेस्ट है, हाल फिलहाल ओपन है मॉल के अंदर, मार्केट के अंदर। सुबह से 10 बजे से शाम के 5 बजे तक टोटल लोग शॉपिंग करने के लिए कितने आए थे, 300 आए थे। तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम ये हो गया टोटल 300 का। और चले कितने गए, अभी है 100, टोटल से 300 चले कितने गए, 200 चले गए। जो 200 चले गए वो हो गया आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। आई बात समझ में? अब आपके, अब इस एग्जांपल को याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है और वॉल्यूम क्या है। अब देखो, अब ओनर मैनेजर को कहता है चलो मुझे सब समझ में आ गया, 100 लोग अभी भी है, सुबह से लेकर शाम तक आए 300 लोग, चले गए 200 लोग। अब 5:15 हुए,
5:15 हुए, शाम हुई और लोग आए मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, मॉल में शॉपिंग करने के लिए 20 लोग और ऐड हो गए। ओनर की नजर पड़ गई कि कोई आया कोई आया। वो गया सीधा मैनेजर के पास कि देखो तो भाई कौन कितने लोग आए कितने लोग हो गए, क्योंकि ओनर को होता है ना भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आए ज्यादा से ज्यादा उसका प्रॉफिट हो। उसने फिर से पूछा मैनेजर को कि देखो तो चेक करो तो कितने लोग हैं कितने लोग हैं यहाँ पर मॉल में। मैनेजर ने चेक करके गिन के कहा कि सर नए 20 लोग आ गए हमारे मॉल में। तो ओनर कहता है मतलब अभी हमारे यहाँ पर 100 लोग थे ना, अभी 120 हो गए। तो मैनेजर कहता है जी सर। तो ओनर कहता है कि चलो हाल फिलहाल 120 लोग हमारे मॉल में हैं। अब 5:15 नए लोग कितने आए, 20 लोग आए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, +20 हो गया। कितना हुआ, +20 हो गया। अब यहां पर मैं आपको ये कहूंगा ना कि 200 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था जो माइनस था, उसमें से 20 को माइनस करो तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -180 हुआ। वो कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अब ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ, ओपन इंटरेस्ट +20 हो गया, क्योंकि नए 20 लोग आए तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 20 हो गया। पहले मान लो 0 था, ये मान लो पहले 0 था, अब +20 हो गया ये ओपन इंटरेस्ट। अब वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम टोटल कितना था 300, नए लोग कितने आए 20, वॉल्यूम में 20 प्लस कर दो यानी कि वॉल्यूम हो गया 320। वॉल्यूम कभी कम नहीं होगा, वॉल्यूम इंक्रीज ही होगा, चेंज आएगा ओपन इंटरेस्ट में और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, ये प्लस माइनस हो सकते हैं। चलो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया और आपको पता चल गया कि इन तीनों का सिंपल से सिंपल भाषा में क्या मतलब हम निकाल सकते हैं।